बेबी बॉय किस साइड में ज़्यादा रहता है, दाहिने या बाएं? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है और सभी गर्भवती महिलाओं को जानने की ये उत्सुकता हो जाती है कि हम ये बेबी बॉय किस साइड में रहता है, दाहिने साइड में या बाएं साइड में। तो चलिए आज वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम कंसीव करते हैं, जब भी गर्भवती महिलाएं जो भी हैं कंसीव करती हैं, उसके बाद जो है हमारा जो बेबी बॉय है वो किस साइड में रहता है, दाहिने साइड में या बाएं साइड में। तो चलिए आज का जो टॉपिक है यही है और चलिए आज के वीडियो पर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी बेबी जो हम लोग कंसीव करते हैं तो पहले जो 3 मंथ है उसमें जो है बेबी की हलचल जो है नहीं होती है, क्योंकि उस समय जो है बेबी बहुत ही छोटा होता है, उस समय जो उसकी डेवलपमेंट बहुत ही कम हुई रहती है, क्योंकि उस समय उसके डेवलपमेंट होती है, जैसे उसके हार्ट बीट बनते हैं, आइज बनते हैं, नोज़ बनते हैं, तो उसमें अभी थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होती है, उसमें इतनी डेवलपमेंट नहीं होती है कि वो हलचल कर सके हमारे पेट में। तो हमारा बेबी का जो बेबी है वो उसका जो जैसे हमारा घर होता है तो बेबी का पूरा घर ही वो गर्भ है, वो गर्भ में ही रहता है, प्लस उस पानी है पानी के अंदर में वो रहता है, तो वो पूरा गर्भ जो है उसी के अंदर जो है बेबी रहता है, प्लस उसमें पानी प्लेजेंटा वगैरह सारे कुछ ब्लड वगैरह सब रहते हैं, उसके अंदर ही जो है बेबी रहता है, तो वो पूरा गर्भ ही उसका घर बन जाता है। तो कई बेबी क्या करते हैं, वो एक साइड ले लेते हैं, जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो एक रूम में रहते हैं, एक साइड ले लेते हैं कि हाँ यहाँ हमें रहना है वहाँ रहना है, तो उस तरह बेबी का भी है, बेबी जो है एक साइड ले लेता है, दाहिने तरफ या बाएँ तरफ या कभी कभी बीच में भी वो बेबी रहता है। तो अधिकतर क्या होता है कि बेबी जो है वो 3 मंथ के बाद 3.5-4 मंथ जब हो जाता है तब जो है बेबी जो है वो थोड़ा सा हलचल करता है हमारे पेट में, वो मूवमेंट करने लगता है। तो जैसे ही 3.5-4 महीने हो जाते हैं तो हमारा बेबी जो है वो मूवमेंट करने लगता है, तो जब वो मूवमेंट करने लगता है तो वो जो है हमारे पेट के पूरे पेट में, जैसे वो पूरा गर्भ में ही घूमता है, तो कभी उसका जो हेड है कभी दाहिने तरफ तो कभी बाएं तरफ तो कभी बीच में जो है वो महसूस होता है। तो चलिए चलिए दोस्तों, आज जो सबसे पहले जो है सबसे बता देती हूँ कि बेबी का जो मूवमेंट होना वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेबी मूवमेंट करेगा तभी हम लोग जान सकते हैं कि हमारा बेबी जो है स्वस्थ है। तो बेबी का मूवमेंट जो है हमेशा 2 घंटे के अंतराल पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 2 घंटे के अंतराल पे जो मूवमेंट है वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और हमें अपने डॉक्टर से जाकर संपर्क जरूर करना चाहिए, जिससे हम लोग अपना रेगुलर चेकअप करवाते हैं, क्योंकि बेबी का मूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है हर 2 घंटा में। अगर घर में देखिए कि बेबी जो है हमारा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा अपना पेट को सहलाइए, क्योंकि अगर ऐसा करने के बाद अगर आपका जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मूवमेंट होना बेबी का बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ बच्चे की निशानी है कि बेबी जो है हर 2 घंटे में जो है मूवमेंट करता है। तो ये जो मूवमेंट होता है तो कई महिलाओं में ये दाएं तरफ होता है और कई बाएं तरफ होता है और कभी कभी बीच में होता है, और किसी को तो ये बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि हमारा बेबी किस साइड में जो है मूवमेंट कर रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाता है कि बेबी जो है बेबी बॉय कंसीव करने पर वह किस साइड में रहता है है। तो मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब भी मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मेरा बेबी जो है 3-4 महीने तक तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हुआ, 4 महीने के बाद जो है मूवमेंट होना स्टार्ट किया, तो वो जो है दाहिनी साइड में जो है ज़्यादा मूवमेंट होता था। जब भी मुझे वहाँ पे थोड़ा सा जो है हल्का मूवमेंट नज़र आएगा या हलचल जैसा नज़र आएगा, तो ऐसे ही होता है कि कोई बच्चा एक साइड ले लेता है। ये एक साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि बेबी बॉय कंसीव करने के बाद जो है वो दाएं साइड रहता है या गर्ल कंसीव करने पर वो बाएं साइड रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी किसी महिलाओं में ऐसा होता है कि बेबी बॉय कंसीव करने के बाद जो है बेबी जो है दाहिने साइड रहता है और बेबी गर्ल कंसीव करने पर बाएं साइड रहते हैं। तो मैंने जब कंसीव किया था बेबी बॉय को तो मेरा बेबी बॉय जो है दाहिने साइड में जो है मूवमेंट ज़्यादा करता था 4-5 महीने में। जैसे ही जो मेरा 4-5 मंथ लगा वैसे ही जो है बेबी जो है वहाँ मूवमेंट करता था, लेकिन जैसे जैसे ही बेबी का जो
अंग है विकसित होने लगे, बेबी जो है बड़ा होने लगा, जैसे 8-9 मंथ होने लगे, तो वो जो मूवमेंट है पूरे गोल पूरे पेट में जो है होने लगा। कभी वो दाहिने साइड होता है तो कभी बाएं साइड होता है, कभी बीच में होता है। तो जैसे जैसे बेबी का आकार जो है बड़ा होते जाएगा, ये मूवमेंट आपको पूरे पेट में नज़र आएगा, पूरे पेट में ये मूवमेंट जो है होता रहेगा। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन दाहिने साइड में बेबी बॉय रहता है और बाएं साइड में है जो बेबी गर्ल रहती है, क्योंकि जो है बेबी है अपना एक जगह ले लेता है, उसको जहाँ सूटेबल हो, जहाँ वो स्थायी रूप से उसे अच्छा लग सके, वहाँ पे जो है बेबी एक साइड लेता है और उसी साइड में वह रहना पसंद करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है हमारे पेट में, 9-9 मंथ तक वो घूमते रहता है, क्योंकि वो घूमते घूमते है वो हेड जो है वो नीचे की तरह आता है, तो वो गोल जो है घूमते रहता है पेट में। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बेबी जो है दाहिने रहेगा या बाएँ रहेगा, क्योंकि उसका मूवमेंट जो है पूरे हमारे पेट में होते रहता है, क्योंकि गर्भ जो है उसका घर है और घर में जो है वो पूरा अपने घूमते रहता है। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह साइड लेगा दाहिना या बाएं साइड। तो कई महिलाओं में ऐसा होता है और कई महिलाओं में ऐसा नहीं होता है, वो तो कुछ जान भी नहीं पाती है कि मूवमेंट किस साइड में हो रहा है, दाहिने साइड में हो रहा है या बाएं साइड में हो रहा है। लेकिन मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात बताती हूँ कि जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मेरा जो मूवमेंट ज़्यादा था वो दाहिने साइड में ही था। 3 मंथ के बाद जो है मुझे पता चला कि हाँ, मुझे मेरा जो मूवमेंट है बेबी का वो दाहिने साइड में हो रहा है। बट लेकिन जैसे जैसे पेट का आकार बड़ा होता गया, मेरे बेबी का आकार बड़ा होता गया, वो मूवमेंट है पूरे पेट में ही होने लगा। कभी दाहिने होता था, कभी बाएं होता था और कभी बीच में भी होता था। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बेबी मूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये मूवमेंट जो है 2 घंटे के अंतराल में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मूवमेंट नहीं होता है तो हमारे लिए बहुत ही रिस्की हो जाएगा, बेबी के लिए बहुत ही रिस्की हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप लोग जो है डॉक्टर से संपर्क करें। और ये एक मिथ है कि जो है दाहिने साइड बेबी बॉय रहता है और बाएँ साइड जो है बेबी गर्ल रहती है, ये बच्चों का साइड होता है, बच्चे जहाँ सूटेबल होते हैं वहीं रहना पसंद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।